देखिए किस तरीके से नारेबाजी करके विरोध कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
20,000 बंदा हो गया भाई इकट्ठा, 20,000 जितना पीपलिया सारा अंबाला इकट्ठा हो गया भाई। वो पाड़ दिए चंड वो पाड़ दिया भाई कारवा दे चंडे बीजेपी वाले गए ओ गए देखो नीचा ओ देख पाड़ दिए घर दे। वो देखो जी मैं पाड़ दिए बीजेपी के चंडे बाहर बैंको इन भैन चौथा न ये देखो भाई ये पाड़ दिए बीजेपी के झंडे। झंडे पाड़ दिए भाई सारी गड्डिया मत कट्टर की हाय हाय
लाठ मार पा देख के ओ खड़ी अगा पुलिस भाई जाग गया भाई किसान गर्मी लगी हाय हाय वापस जाओ
वापस जाओ, 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 मुर्दाबाद, 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 मेजर है पक गए एक साल भी अपन जोड़ ले हरियाणा के अंबाला की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से किसानों ने जबरदस्त जो है मुख्यमंत्री का विरोध किया। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर आज अंबाला में नगर निगम चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार का जो है चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे और जैसे ही वे अंबाला में पहुंचते हैं तो अग्रसेन चौक के पास बड़ी संख्या में जो किसान है काले झंडे लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री के काफिले का मुख्यमंत्री की गाड़ी का जबरदस्त घेराव करते हुए काले झंडे लहराकर जबरदस्त जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं जहां पर जैसे ही किसानों को सूचना मिलती है तो आसपास के गांवों से अंबाला के आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में जो किसान है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने वहां पर पहुंच जाते हैं और काले झंडे दिखाकर जमकर जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पूरे देश भर में जो है किसान आंदोलन चल रहा है और हरियाणा और पंजाब में जो है बड़ी संख्या में जो किसान है दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पिछले महीने से जो है लगातार बैठे हुए हैं और लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों भी जो है आह्वान किया था कि बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा, कई विधायकों का पहले विरोध हुआ और आज लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे ही अंबाला में पहुंचते हैं अंबाला नगर निगम में जो चुनाव चल रहे हैं मेयर पद को लेकर अपने बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे लेकिन बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनके काफिले को घेर लेते हैं और जमकर जो है उनका विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं और जमकर नारेबाजी की जाती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज अंबाला।